मैं नितिन सांवरिया गोस्वामी अनन्य नृपति वृंदावन और मथुरा में गया और मैंने एजुकेशन में MBA भी किया है। नाम वृंदावन कैसे पढ़ा और बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी कैसे पढ़ा? जो सेवा कर रहे हैं वही सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं कि ठाकुर जी के गर्भगृह में लड्डू रखना भूल गए थे, वो ने बांके बिहारी जी के वो युगल जोड़ी में है, युगल सरकार। हम बांके बिहारी के अंदर पहुंच गए और आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ है। आप बांके बिहारी में कभी भी आ जाओ, किसी भी टाइम पे आ जाओ, आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। पूरे वृंदावन में आपको कहीं भीड़ ना मिले, लेकिन आप बांके बिहारी आ जाओ तो आपको उतनी भीड़ मिलेगी। भक्तों का इतना प्यार है हमारे श्री बांके बिहारी जी से। आज हम आए हैं बांके बिहारी में आपको दर्शन कराने और साथ ही साथ बांके बिहारी के गोस्वामी नितिन सांवरिया गोस्वामी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे बांके बिहारी की महिमा के बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाके वेट करेंगे, जब वो आएंगे फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी होली का समय है और हमारे बांके बिहारी मंदिर देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है। बांके बिहारी मंदिर आप कभी भी आओगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा डेकोरेशन किया हुआ मिलेगा ही, लेकिन इस टाइम होली का समय चल रहा है और वृंदावन में 40 दिन की होली होती है। और अगर आप इस टाइम वृंदावन में किसी भी मंदिर में चले जाओ, राधा वल्लभ राधा रमण, आपको ऐसा ही सुंदर सजा हुआ मंदिर दिखाई देगा। आप मेरे बांके बिहारी पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे, रोज लाइव देखते होंगे और यहाँ के गोस्वामी नितिन सांवरिया जी रोज लाइव रहते हैं। ये देखिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से लाइव अपने ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू, यहाँ वो इस तरह ऊपर बैठ के लाइव होते हैं और सभी भक्तों को बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। अभी आरती चल रही है बांके बिहारी जी की, आप लोग भी देखिए कि बांके बिहारी जी की आरती कैसे होती है। जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं नितिन सांवरिया गोस्वामी अनन्य नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो कि हमारे रसिक शिरोमणि भी हैं, तो रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज के लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्रीअंग से भी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है, मतलब एजुकेशन में आपने यहीं वृंदावन से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की है या बाहर से? देखिए मैंने जो अपनी
एजुकेशन कंप्लीट की है वो यहीं ब्रिज धाम में ही की है, यानी वृंदावन और मथुरा में की है। और मैंने एजुकेशन में MBA भी किया है और मैंने लॉ भी किया है। लेकिन ये सारी डिग्री लेने के बाद एक चीज़ का आभास हुआ कि सबसे बड़ी डिग्री तो वो है कि जो आप ठाकुर जी महाराज के श्रीअंग से भी बने हुए, यानी कि इससे बढ़कर इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है कि आपको ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। ये जो चुनने वाला मैं बड़ी बोल रहा हूँ इसलिए कि भैया लाखों करोड़ों इतने लोग हैं, अरबों लोग हैं हमारे, लेकिन ठाकुर जी के जो पुजारी जी हैं वो चुनिंदा हैं। तो उसमें से ठाकुर जी ने ये परम सौभाग्य दिया है इस जन्म में। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ी डिग्री ये है कि मैं ठाकुर जी का श्रीअंग से भी हूँ। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा और बाके बिहारी जी का नाम बाके बिहारी कैसे पड़ा? देखिए, वृंदावन का जो नाम है वृंदा प्लस वन, यानी कि एक ऐसा वन जिसमें वृंदा है, यानी तुलसी वन है। तो ठाकुर जी महाराज का जो वृंदावन धाम है, यहाँ पर वृंदावन धाम जो जिसको हम कहते हैं कि राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की हृदय स्थली है, उस धाम में हम लोग इस वक्त खड़े हैं बांके बिहारी मंदिर में। तो वृंदावन पड़ा है, ये जो स्थान का नाम है पूरे स्थली का वो पड़ा है क्योंकि तुलसी का पूरा वन है। आप आज भी अगर सेवा कुंज चले जाएँ, आप आज भी अगर श्री निधवन राज चले जाएँ तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि वहाँ पूरे में लता पता है। अब तो चीज़ें काफ़ी बदलती जा रही है, लेकिन पौराणिक वृंदावन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमको नजर आएगा कि तुलसी का एक वन था। और बांके बिहारी जी का जो प्रथम नाम है वो है कुंज बिहारी, यानी कुंजों में विहार करने वाले। और ठाकुर जी सघन कुंजों में आज भी विहार करते हो। ठाकुर जी का जो प्राकट्य स्थल है वो भी श्री निधवन राज है, वो भी पूरा सघन कुंजों से। तो ठाकुर जी कुंजों में ही प्रकट हुए और कुंजों में ही विहार करते हैं और कुंजों में ही रहते हैं। और अगर आपको बांके बिहारी जी से मिलना है ना तो आपको श्री निधवन राज और बांके बिहारी मंदिर में आप जब भी आएंगे तो आपको ठाकुर जी लता पताओं के साथ खेलते हुए श्री निधवन राज में जरूर मिलेंगे। और यही एक हमारा सोचने और समझने की शक्ति होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी हमें किस रूप में आकर मिल जाएंगे, वो हमें वहीं पर पता चलेगा। तो वृंदावन का नाम तुलसी के वन से है और हमारे बांके बिहारी जी का जो प्रथम नाम है वो कुंज बिहारी है, कुंजों में विहार करने वाले। और बांके मीन्स होता है टेढ़े। हमारे ठाकुर जी की मुस्कान भी टेढ़ी है, हमारे ठाकुर जी श्री चरण से टेढ़े, हमारे ठाकुर जी की कमर भी टेढ़ी है, हाथों से टेढ़े हैं। तो भैया टेढ़े ठाकुर इसीलिए इनको कहा जाता है। स्वामी जी, जैसे आप बांके बिहारी की सेवा तो करते हैं, तो बांके बिहारी की सेवा आपको कैसे मिली, मतलब पूर्वजों से मिली या कोई भी आके सेवा ले सकता है? देखिए, यहाँ पर जो सेवा हमें मिली हुई है वो हमारे जो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं बांके बिहारी जी महाराज हैं, तो जिनके जो प्राकट्य करता है स्वामी अरदास जी महाराज, उनके जो अनुज भ्राता हैं गोस्वामी जगन्नाथ जी, तो उन्हीं के ही वंशज जो है हम लोग सेवा करते चले आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वही सेवा करते आए हैं और वही सेवा करते रहेंगे। तो ठाकुर जी की जो सेवा है वो बाई बर्थ मिली हुई है, आपको जन्म से मिली हुई है। और ये जो आपके साथ ठाकुर जी का एक श्रीअंग सेवी कह लीजिए, पुजारी का एक टैग कह लीजिए, ये परम सौभाग्य की बात है। तो वैसे बाहर से कोई आके ऐसे सेवा नहीं कर सकता, वो श्रीअंग सेवी नहीं बन सकते, लेकिन ठाकुर जी के जो श्रीअंग की सेवा है वो यहाँ के जो पुजारी हैं, जो वंशज हैं गोस्वामी जगन्नाथ जी के, जो वंशज हैं स्वामी हरदास जी के, वही कर सकते हैं। पहली बार आपने बिहारी जी को, मतलब बिहारी जी के पास कब गए, उन्हें स्पष्ट कब किया था पहली बार? देखिए, हमारे यहाँ पर जब मुंडन होता है तब ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश करने का एक मतलब अवसर मिलता है, ये कह लीजिए कि तभी आप प्रवेश कर सकते हैं जब हमारे मुंडन होता है। लेकिन उसके बाद जब यज्ञोपवीत होता है, जो कि जनेऊ संस्कार होता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप ठाकुर जी के एक्चुअल में श्रीअंग से भी बन पाते हैं, यानी कि ठाकुर जी का सिर्फ तब तक आपके पास केवल एक पुजारी का टैग है, लेकिन श्रीअंग से भी आप तभी कहते हैं अपने आप को जब आप ठाकुर जी को स्पर्श कर सकें, उनके श्रीअंग को स्पर्श कर सकें। तो वो आपको सौभाग्य, परम सौभाग्य कब मिलता है, जब आपका यज्ञोपवीत होता है। तो ठाकुर जी के गर्भगृह में, गर्भगृह बोलेंगे कि बांके बिहारी जी का जो बेडरूम है उसमें प्रवेश मिलता है आपको मुंडन से, लेकिन ठाकुर जी को स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है आपको जब आपका यज्ञोपवीत हो जाता है। बांके बिहारी मंदिर में सेवाएं थे, सेवा करते हैं बांके बिहारी की, और भक्त आते, भक्तों के साथ तो कई लीलाएं होती हैं, लेकिन आप तो यहाँ नित्य सेवा करते हैं, तो आप कोई एक लीला हमें बताएंगे, कोई एक ऐसी लीला? देखिए, ठाकुर जी की ना एक बहुत सुंदर एक लीला है। एक बार पुजारी जी ठाकुर जी के गर्भगृह में लड्डू रखना भूल गए थे। वो लड्डू होते हैं आज भी हम ठाकुर जी के लिए दिन में दोपहर को जब शयन कराते हैं और रात्रि को जब शयन कराते हैं, तो ठाकुर जी के पास में शयन के लड्डू रखे जाते हैं, पान का बीड़ा रखा जाता है और ठाकुर जी के पास जल रखा जाता है, यानी यमुना जल से वो उसको पान करने के लिए, यमुना जल से आचमन के लिए, जल को ग्रहण करने के लिए, और शयन के लड्डू रखे जाते हैं। तो पुजारी जी एक बार लड्डू रखना भूल गए थे। अब ठाकुर जी को भैया रात्रि में भूख लगी, तो पास में एक दुकान थी, करीब 12-1 बजे का टाइम होगा, वो दुकान पर ताजी जो है लड्डू भी बन रहे थे, तो वो बंद होने वाली थी। तो एक बालक के रूप में, एक बड़ा ही तेजवान बालक, तो जब वो उस
दुकान पर गया और दुकानदार से उन्होंने लड्डू मांगा, तो पहले तो दुकानदार ने बोला आपके पास पैसे हैं, तो बोले नहीं है। लेकिन दुकानदार ने जब उनको देखा तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गया कि इतना तेजवान बच्चा उनके पास आया, तो उन्होंने लेकर एक लड्डू बच्चे को दे दिया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को। तो उसके बाद जब ठाकुर जी ने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, फिर मैं क्या दूं, बोले कोई बात नहीं आप मत दो, बोले नहीं मैं ऐसे तो नहीं इसको लूंगा, ऐसे तो ग्रहण नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी ने उस वक्त कड़ा पहनते थे, अपना कड़ा लेके ठाकुर जी ने वहां पर दुकानदार को दे दिया। ठीक है भाई, ये बात चली गई। अब सुबह जो है, जो भंडारी जी हैं मंदिर में जो कार्यरत रहते हैं, पुजारी जी के साथ जो उनके सेवा करने के लिए जो बिहारी जी के मंदिर में कार्यरत रहते हैं, तो वहां पर ढूंढरा मच रहा है। तो वो दुकानदार ने भंडारी जी को देखा कि बड़े परेशान से हैं, तो उन्होंने पूछा कि अरे प्रभु क्या हो गया, कैसे परेशान हो? बोले कुछ नहीं, आज बिहारी जी का कड़ा नहीं मिल रहा है सुबह से। बोले अरे ये कैसे हो गया? दुकानदार भी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन एकदम से दुकानदार को एकदम आश्चर्यचकित रहा और वो पसीने पसीने हो गया कि ये मेरे संग कोई लीला तो नहीं हुई है। तो उसने, दुकानदार ने जो है वो कड़ा लेकर आया और बोला भंडारी जी को कि क्या ये वो कड़ा तो नहीं है? तो आश्चर्यचकित भैया अभी तक दुकानदार था, लेकिन भंडारी जी भी हो गए कि तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आ गया? इसका तो ढूंढरा मच रहा है, पुजारी जी ढूंढ रहा, सब में ढूंढरा मच रहा है। बोला भैया ऐसे ऐसे मेरे पास एक बालक आया तो वो पुजारी जी के पास लेकर आ गया, दुकानदार को भंडारी जी लेकर आ गए। तो उन्होंने, दुकानदार ने पूरी लीला जो है वो भंडारी जी के द्वारा जो है वो पुजारी जी को सुनाई कि ऐसे ऐसे कल एक बालक आया था, तेजवान बालक था, वो दे गया। तो उसके बाद ठाकुर जी का ही वो कड़ा था। तो ठाकुर जी को उसके बाद बड़ा ध्यान पूर्वक हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि भैया जब शयन करा रहे हैं तो ठाकुर जी के पास जल है कि नहीं है, पान का बीड़ा है कि नहीं है, और लड्डू है कि नहीं है, जिसको शयन के लड्डू कहा जाता है। अच्छा गोस्वामी जी, आज के टाइम पे जैसे हम लोग बात करते हैं बिहारी जी की लीला, लेकिन आज का जो जनरेशन है वो लीला से ज्यादा चमत्कार वर्ड को ज्यादा अहमियत देता है कि चमत्कार, अगर लीला को समझ में लेकर चमत्कार को तो उन्हें समझ में आता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रभु जो भी करते हैं, ठाकुर जी जो भी करते हैं, वो लीला है, क्योंकि उनके लिए वो चमत्कार नहीं है, वो तो उनके द्वारा रची गई एक लीला है, जिसको हम कहते हैं कि अनसुनी लीला, हमने कभी सुना ना हो तो हमारे। लेकिन हम लोग जो बिलीव करते हैं वो चमत्कार पर बिलीव करते हैं, हम लोग जो बिलीव करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाता है सडनली कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं तो हम लोग उसको सोचते हैं कि चमत्कार है। लेकिन मेरा एक मानना है कि ये प्रभु की लीला है और हर चीज़ में उनकी लीला जुड़ी होती है। आज अगर हम वृंदावन धाम में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो ये भी उनकी लीला है, आज अगर बांके बिहारी जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं तो ये भी एक उनकी लीला है, जो उनकी कृपा है। तो लीला को मेरा एक मानना है कि ये प्रभु जो भी करते हैं वो लीला है, और हमारे लिए समझने के लिए हम उसको चमत्कार वर्ड बोल देते हैं। से ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि बांके बिहारी के साथ राधा रानी के दर्शन क्यों नहीं है? देखिए बिहारी जी के जो दर्शन है बांके बिहारी जी के, वो युगल जोड़ी में है, युगल सरकार के दर्शन है, यानी राधा और कृष्ण के, जिसको हम कहते हैं एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों स्नेही। तो ठाकुर जी महाराज जो है हमारे बिहारी जी, वो कृष्ण हमारे ठाकुर जी जो है वो राधा रानी का श्रृंगार और कृष्ण का श्रृंगार मिला जुला करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष का श्रृंगार। ठाकुर जी पायल भी धारण करते हैं, ठाकुर जी नथ भी धारण करते हैं, ठाकुर जी बंसी भी धारण करते हैं, जामा पजामा साड़ी लहंगा यानी लेडीज का और जो जेंट्स का श्रृंगार होता है वो करते हैं। और कभी कभी ठाकुर जी जब राधा रानी स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो उससे जबरदस्त, उससे अद्भुत दर्शन, उससे दिव्य दर्शन आज तक कभी किसी को नहीं हो सकते, जब ठाकुर जी स्वयं राधा रानी स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो अर्धनारीश्वर रूप में भी ठाकुर जी ने काफी बार दर्शन देते हैं भक्तों को, तो ये एक अद्भुत दर्शन है जो कभी कभार ही भक्तों को मिलते हैं। और जो भी भक्त उस वक्त आते हैं वो भैया परम सौभाग्य और कृपा है कि आपने ठाकुर जी को राधा रानी स्वरूप में दर्शन किया, और ठाकुर जी का जो असली स्वरूप भी है वो राधा रानी के साथ है, इसीलिए ठाकुर जी को हम कहते हैं कि एक प्राण दो देही, यानी राधा कृष्ण दोनों स्नेही, और ठाकुर जी हमारे राधा और कृष्ण के युगल सरकार के मिलजुले रूप है। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो आपने कैसे सोचा कि आपको इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग आपको फॉलो भी करते हैं आज के टाइम पे, तो कैसे सोचा आपको सोशल मीडिया पे आने के लिए? देखिए कोविड का वक्त था, कोरोना काल था, और सभी भक्त जो है वंचित थे, और कुछ समय तो ऐसा आया कि सिर्फ मंदिर में जो पुजारी जी हैं जो सेवा कर रहे हैं वही सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और बिहारी जी का जब श्रृंगार होता है ना, तो आप यकीन मानिए कि ठाकुर जी से हम स्वयं पूछते हैं आज आप कैसे लग रहे हो या आज आप कैसे लगना चाहते हो, तो वो अपने आप ही श्रृंगार करा देते। तो कोरोना टाइम में एक ऐसा वक्त था कि ठाकुर जी जो श्रृंगार 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटे में करा रहे, वही श्रृंगार जो 2-2 घंटे चल रहा है, क्योंकि ठाकुर जी की वो एक लीला
माया थी जो वो रच रहे थे कि मैं भक्तों को दर्शन दे नहीं रहा हूँ, पर्दा खुल नहीं रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि पर्दा ना कर पुजारी दिखने दे बांके बिहारी, लेकिन उस टाइम तो पर्दा ही था। तो वहाँ पर एक काफ़ी सारे भक्तों का हमारे पास मैसेजेस आने लगे, कॉल्स आने लगे कि हमें दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। तो वहाँ पर एक सोचा कि क्यों ना एक ऐसा माध्यम बने जिससे भक्त लोग एटलीस्ट मंदिर की मर्यादा का भी हम पालन कर सके कि बिहारी जी के दर्शन नहीं कराएं लेकिन मंदिर तक उनको पहुँचा सके, क्योंकि लोगों की उस वक्त आस्था टूट रही थी, लोगों का विश्वास टूट रहा था, लोगों को विश्वास ऐसा होने लगा था कि अब कब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कि हम मर जाएंगे, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, तो नेगेटिव होने लगे थे लोग। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, सबसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें कहाँ मिलती है, वृंदावन से सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है हमें बांकेबारी मंदिर से, और सबसे ज़्यादा हमारी सकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए हमारे अंदर कहाँ प्रवेश करती है, हमारे अंदर आती है जब हम ताकत आती है जब हम ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, तो क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। तो जब लोगों को हमने उसके माध्यम से प्रवेश करा के और वीडियो के माध्यम से मंदिर के दर्शन, उनके प्रसाद के, उनकी पोशाक और श्रृंगार का वर्णन करने लगे, तो धीरे धीरे लोग जो है जुड़ने लगे और इस तरीके से बिहारी जी ने कारवां चलाया। तो ये एक मेरा एक मानना है कि एक माध्यम बना है जिससे लोगों की आस्था जो और जुड़े और ठाकुर जी का नाम प्रचार और खूब होता रहे। गोस्वामी जी, अब मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन करूंगी, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में मतलब आपने कब स्टार्ट किया, आपने उसे मतलब क्या सोचा, आप उसे प्रोफेशनली इसमें जाना चाहते थे या शौक के लिए, कि कैसे आपने स्टार्ट की? देखिए, एक वक्त आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटापा गेन कर लिया था, तो वहाँ पर मेरे को एक आया कि चलिए वेट लूज़ करते हैं, क्योंकि अब एक वक्त आ चुका है कॉलेज छोड़ने के बाद। तो वहाँ पर मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया, फिर वेट लूज़ भी किया। अब उसके बाद जब हम आते हैं कि बॉडी बिल्डिंग पे, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम बॉडी बिल्डिंग लाइन में चले जाएँ। तो वहाँ पर एक आया कि चलो ठीक है, सिक्स पैक एब्स बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते। आपको आपके एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि जो आपके ट्रेनर होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपको एग लेना पड़ेगा, आपको नॉनवेज लेना पड़ेगा, ये या आर्टिफिशियल आपको जो है प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर मेरा एक मतलब मानना था कि ये मुझे एक ऐसा कुछ करना है, बिहारी जी की कृपा से ही हो सकता है, वो राधा रानी की कृपा से ही हो सकता है, कि हम इसको एक मिथ बना दें कि भैया बिना प्रोटीन लिए आर्टिफिशियल, या बिना जो है आप नॉनवेज खाए या बिना एग खाया बॉडी नहीं बना सकती। ये बिल्कुल गलत है और आप इनके बिना भी जो है बॉडी बना सकते हैं और बहुत अच्छी बना सकते हैं। बस ये है कि जो चीज़ इनके साथ आप एक साल में बना सकते हैं, वही चीज़ आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से दो साल या तीन साल में बना सकते हैं। और बिहारी जी की असीम अनुकृपा, उनका प्रसाद भी पाया, खूब आनंद लिया, और भैया बॉडी बिल्डिंग लाइन में खूब मेहनत भी गई। तो ये कृपा से ही सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप सोचते हो ठाकुर जी आपको वो आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, जैसे लोग नॉनवेज तो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, आप तो सेवा करते हैं बाकी बिहारी की, तो आप तो प्याज लहसुन वगैरह सब आपने छोड़ रखा होगा जी, बिल्कुल। तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। नहीं देखिए, इनको मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरू ही नहीं करते हैं तो आपको ये बात आती नहीं है कि आपको उसको छोड़ने में मुश्किल हुई है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ शुरू ही नहीं की तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस केवल ये होता है कि हाँ, हम जब ये चीज़ देखते हैं कि इन चीज़ों से बॉडी बिल्डिंग लाइन में या नॉर्मली हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्याज और लहसुन का, तो ये तामसिक और राजसिक चीज़ों में आता है जो आपके दिमाग को भी गर्म करता है और आपके दिमाग में भी गंदगी भरता है और आपके दिमाग को भी ठाकुर जी की भक्ति से दूर करता है। अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करें तो मेरा फिर से मैं यही कहूँगा कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो ठाकुर जी का नाम जाप करिए, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है। और ऐसे ही ठाकुर जी महाराज के, हमारे बांके बिहारी जी का एक महामंत्र है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ये महामंत्र जो है वो आप जरूर कीजिए, और इससे आपके जीवन की कायाकल्प सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको जो चाहिए ना, ये मंत्र आपको दे सकता है, अगर आपने सच्चे मन से इसका जाप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर काफी सारे ऐसे भक्त हैं जो अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के श्री चरणों में दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्रिजवासी ही हैं शुरू से, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं। कुछ लोग भक्त ऐसी हैं, लेडीज जो हैं, जो ठाकुर जी से कांत भाव में सेवा करती हैं, कांत भाव में मानती हैं, यानी कि पति रूप में मानती हैं, तो करवा चौथ का व्रत भी ठाकुर जी के ही यमुना चरणामृत से ही तोड़ती हैं। तो ये सारी जो लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, और बांके बिहारी जी से अगर आपको लगन लगानी है ना, तो प्रेम की लगन लगेगी। आप जितना उनसे प्रेम करेंगे, इन रिटर्न आपको उसका डबल ट्रिपल मिलेगा। गोस्वामी जी, आप सब ने बात की और बहुत अच्छे से आपने मतलब सारी बातों के जवाब दिए और बहुत अच्छे से हमें समझाया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे मिलके, और इतने कीमती समय में आपने समय निकाला। और एक एक बार नहीं, दो दो बार मैं आपको बता दूं, कल हम आए थे यहाँ पे, महाराज जी ने सेम टाइम हमें दिया था, हमने पूरा इंटरव्यू किया, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गई कैमरे में, और आज दोबारा टाइम निकाला, और ऐसे तो वृंदावन में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। दिल से धन्यवाद आपको। बस चलते चलते हमारे भक्तों से कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांके बिहारी जी
जी के नाम प्रचार की बात आती है, बांके बिहारी जी से लगन लगाने की बात आती है, तो मैं हमेशा उसके लिए रेडी हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी से अगर प्रेम करना है और आपको आपके जीवन में सब कुछ चाहिए, लक्ष्य जो आपका टारगेट है, तो ठाकुर जी अपने आप ही जो स्वतः ही आपको सब कुछ देंगे जो आपके लिए सही है। बस सही की परिभाषा भी आपको उनकी भक्ति से मिलेगी, उनके नाम जाप से मिलेगी। तो कुछ वक्त अपने लिए निकालिए और पूरे दिन में, और नाम जाप करना मत भूलिए। जब हम भोजन करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, हम सब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरतमंद है, हमारी ज़रूरतें हैं। अगर हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो ये भी हमारी आवश्यकता होनी चाहिए कि ठाकुर जी के लिए 10-15-20 मिनट, 1 घंटा, जितना वक्त हम दे सकें, चाहे हम ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नाम जाप मत छोड़िए, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है। और श्री कुंज बिहारी शेरदास महामंत्र में आपको बांके बिहारी जी में राधा रानी, हमारे कृष्ण जी और हमारे स्वामी अरदास जी तीनों मिलेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये फाइनली हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, हम सब पैकअप कर रहे हैं और ये देखिए मंदिर भी पूरा खाली हो चुका है इस टाइम। आज हम बांके बिहारी में, और देखिए मंदिर पूरा खाली है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है। लेकिन बस यही है कि जब खाली है तो दर्शन नहीं है। बांके बिहारी के कपाट बंद है, लेकिन भक्त यहाँ इत्र सेवा कर रहे हैं, लोग आके इनके चौखट की और दरवाजे की इत्र सेवा भी करते हैं। और ये था हमारा बांके बिहारी जी का ब्लॉग, बांके बिहारी की लीलाओं के बारे में हमें सुनने का ब्लॉग। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से बताया, उनसे हमने बातचीत की, आपने भी सुना, आप लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, बांके बिहारी के बारे में नई नई जानकारियाँ मिली होंगी। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बिकले राधे राधे। और ये पूरा खाली हो गया मंदिर।